Dear students, this is our 19th video lecture of class 5th SST, and we are discussing the 5th chapter of SST, the land of dense forest, the Democratic Republic of Congo. Yesterday we have studied about the climate of Democratic Republic of Congo, and we were reading the vegetation of Democratic Republic of Congo. Let's study the rest. There is a thick undergrowth of shrubs and bushes. यहाँ पर shrubs and bushes में झाड़ियाँ बहुत अधिक घनी झाड़ियाँ होती हैं. A large number of creepers climb the trees, adding to the thick vegetation. Vegetation means वनस्पति. यहाँ पर बहुत ही अधिक मात्रा में creepers मतलब लताएं होती हैं, जो पेड़ों पर लताएं जैसे पेड़ों पर चिपक जाती हैं ना उसके आसपास, और इसकी वजह से जो वेजिटेशन है वहाँ की वनस्पति है, जो प्लांट्स हैं वो और भी ज़्यादा घने हो जाते हैं क्योंकि उन पेड़ों के चारों तरफ लताएं उलझ जाती हैं. दीज फॉरेस्ट रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर. और जो ये फॉरेस्ट हैं वो पूरे साल हरे भरे रहते हैं. क्यों? बिकॉज देयर आर प्लेंटी ऑफ रेनफॉल एंड आर नोन एज द एवरग्रीन फॉरेस्ट. और इनको कौन से फॉरेस्ट कहते हैं? इनको एवरग्रीन, एवरग्रीन मतलब सदाबहार फॉरेस्ट कहते हैं. यू कैन सी द फॉरेस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. दीज आर द फॉरेस्ट. इन दिस फॉरेस्ट प्लांट्स आर सो क्लोज टू ईच अदर दैट देयर ब्रांचेस गेट एंटेंगल्ड. इन मतलब जंगलों में जो प्लांट्स हैं वो इतने आपस में चिपके होते हैं कि उनकी जो ब्रांचेस हैं वो उलझ जाती हैं आपस में. वो इतने पास पास होते हैं वो पेड़, मतलब वहाँ पेड़ ही पेड़ हैं और वो इतनी कम स्पेस में बहुत ज़्यादा पेड़ होते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो ब्रांचेस हैं टहनियाँ हैं वो आपस में उलझ जाती हैं. दे फॉर्म अ थिक कैनोपी एट द टॉप. और ये क्या बनाते हैं? बहुत ही घनी कैनोपी बनाते हैं टॉप. एट द टॉप मतलब बिल्कुल ऊपर. अगर हम आसमान की तरफ देखेंगे तो ये वृक्ष इतने ज़्यादा हैं कि हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा, और वो हट वाली शेप में बनाएंगे, हट जैसी शेप बनाएंगे, उसे कहते हैं कैनोपी कहते हैं. एट द टॉप, टॉप पर, जिसकी वजह से जो सूरज की किरणें हैं वो मतलब इसमें से पेड़ों में से गुजरकर नीचे भी नहीं आ सकती क्योंकि वो वहाँ पर वृक्ष इतने ज़्यादा घने हैं. एट सम प्लेसेस दीज फॉरेस्ट आर सो थिक दैट इवन द रेज ऑफ द सन कैन नॉट पास थ्रू देम. और कई जगह पर तो ये फॉरेस्ट इतने घने हैं कि जो सूरज की किरणें भी उसमें से पास नहीं हो सकती. दैट इज़ वाई द फॉरेस्ट ऑफ कॉन्गो बेसिन आर डार्क, डिंगी एंड डैम. इसी वजह से जो फॉरेस्ट हैं ऑफ द कॉन्गो बेसिन, कॉन्गो घाटी के, वो क्या हैं? बहुत ज़्यादा घने हैं, डिंगी धुंधले हैं. धुंधले इसलिए क्योंकि वहाँ पे सन रेज नहीं आ सकती, और डैम नमी वाले हैं, नमी इसलिए क्योंकि बिकॉज ऑफ रेनफॉल. डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज समटाइम्स कॉल्ड द हार्ट ऑफ डार्कनेस. और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को क्या कहा जाता है? इसे कई बार कहा जाता है हार्ट ऑफ डार्कनेस मतलब घना अंधेरा. These forests abound in trees such as ebony, mahogany, rubber, bamboo, oil palm etc. यहाँ पर जो forest हैं वहाँ पर कौन से trees बहुत अधिक मात्रा में हैं, जैसे ebony, mahogany, rubber, bamboo and oil palm. These are the name of the trees. These trees are very useful to the people of Jaire. और ये जो ट्रीज़ हैं वहाँ के जो लोगों के लिए, जायरे के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं, एज दे प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर देयर फॉर मैनी इंडस्ट्रीज, क्योंकि ये उन्हें प्रोवाइड करते हैं कच्ची सामग्री प्रदान करते हैं, रॉ मटेरियल मतलब कच्ची सामग्री उनके उद्योगों के लिए. सो वी हैव स्टडीड अबाउट द वेजिटेशन ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, एंड नाउ वी स्टडी, वी विल डिस्कस द वाइल्ड लाइफ, उनकी वाइल्ड लाइफ कैसी है. द फॉरेस्ट इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो आर इनहेबिटेड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ कलरफुल बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज. ये जो डेमोक्रेटिक फॉरेस्ट है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के, वहाँ पर
बहुत अधिक मात्रा में क्या बसे हुए हैं, मतलब क्या वाइल्ड लाइफ है उनकी, वहाँ कौन से बर्ड्स रहते हैं, कौन से एनिमल्स रहते हैं। वहाँ पर अ लार्ज नंबर ऑफ कलरफुल बर्ड्स, बहुत अधिक मात्रा में कलरफुल रंग बिरंगे बर्ड्स और बटरफ्लाइज मिलते हैं, सच एज नेम है उनके हॉर्नबिल, गोल्ड कोस्ट, फ्लाइंग स्क्रिलर एंड स्क्रीचिंग पैरट्स। वहाँ पर क्या मिलते हैं, हॉर्नबिल, गोल्ड कोस्ट, फ्लाइंग स्क्रिलर एंड स्क्रीचिंग पैरट्स, ये सभी बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज वहाँ पर मिलती हैं। ये है टीएसी फ्लाई फाउंड हेयर इज अ हार्मफुल इंसेक्ट। ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल खतरनाक इंसेक्ट है, इंसेक्ट मीन्स कीड़ा है, विच कॉज अ डेडली डिजीज, जिसके कारण बहुत ही खतरनाक डेडली बीमारी हो जाती है, कॉल्ड द स्लीपिंग सिकनेस, जिसे क्या बीमारी को क्या कहा जाते हैं, स्लीपिंग सिकनेस। अमंग द एनिमल्स दैट लिव ऑन द ट्रीज, और एनिमल्स कौन से हैं, उन एनिमल्स में से जो ट्रीज पर रहते हैं, देयर आर वेरियस काइंड ऑफ, बहुत तरह के मंकीज, एप्स, गोरिल्लास, बेबून्स एंड चिंपैंजीज, ये सारे एनिमल्स हैं जो कहाँ रहते हैं, ट्रीज पर रहते हैं। अदर एनिमल्स फाउंड हेयर आर वाइल्ड बफेलोस, एलिफेंट्स, ओकेपी, अ रेयर टाइप ऑफ जिराफ। ये ओकेपी क्या है, एक बहुत ही रेयर टाइप है, बहुत ही मतलब दुर्लभ टाइप है किसकी, जिराफ की, एंड हिपोपोटामस। द अफ्रीकन एलिफेंट्स आर बिगर देन द इंडियन एलिफेंट्स, जो अफ्रीकन एलिफेंट्स होते हैं ना वो इंडियन एलिफेंट से काफ़ी अधिक बिगर होते हैं, बड़े होते हैं। रेप्टाइल्स, कौन किस तरह के रेप्टाइल्स मिलते हैं, रेप्टाइल्स सच एज स्नेक्स एंड पाइथन आर ऑल्सो फाइंड इन द लार्ज नंबर, यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में सांप और पाइथन मीन्स अजगर यहाँ मिलते हैं। ऑइंग टू द वाइल्ड लाइफ, वाइड वराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ, और यहाँ पर मतलब बहुत ही अधिक मात्रा में वैरायटी मिलती है वाइल्ड लाइफ की, जिसके कारण दीज फॉरेस्ट आर लाइक अ ह्यूज सफारी, जो ये फॉरेस्ट है यहाँ के वो कैसे लगते हैं, लाइक अ ह्यूज सफारी और नेचुरल जू ऑफ द वर्ल्ड, बहुत अधिक एनिमल्स मिलते हैं, बर्ड्स, बटरफ्लाइज, इसके कारण ये जू ही लगता है संसार का, नेचुरल जू, क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में एनिमल्स हैं। वेयर एनिमल्स लिव इन देयर नेचुरल सराउंडिंग्स, और जो एनिमल्स हैं यहाँ पे अपने नेचुरल वातावरण में रहते हैं। लाइफ ऑफ द पीपल, यहाँ के लोगों का जीवन कैसा है। द पीपल ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो बिलोंग टू मैनी डिफरेंट रेसेस एंड स्पीक अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस, यहाँ के लोगों का जो लोग हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के, वो बिलोंग करते हैं बहुत मतलब बिलोंग टू मैनी डिफरेंट रेसेस, अलग अलग रेसेस से, मतलब अलग अलग जाति से, एंड स्पीक बोलते हैं बहुत अधिक तरह की लैंग्वेजेस, पीपल स्पीकिंग द बैंटू लैंग्वेज, यहाँ पे जो लोग हैं वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, बैंटू लैंग्वेज, फ्रॉम द बिगेस्ट ग्रुप, और जो ये लैंग्वेज है, जो लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं वो बहुत अधिक मात्रा में है, और ये फॉर्म करते हैं, बनाते हैं, बहुत बड़ा ग्रुप बनाते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल हेयर लिव इन स्मॉल विलेजेस, बहुत अधिक मात्रा में लोग गाँव में रहते हैं। पीपल इन दिस रीजन आर क्वाइट टाल एंड टफ, और जिस क्षेत्र के लोग होते हैं बहुत लंबे होते हैं और टफ होते हैं, सख्त होते हैं। दे हैव ए डार्क कॉम्प्लेक्शन, उनका जो कलर होता है वो डार्क होता है, एंड शॉर्ट छोटे होते हैं, कर्ली एंड हेयर, उनके जो हेयर होते हैं वो कर्ली और छोटे होते हैं, उनका कॉम्प्लेक्शन तो डार्क होता है और उनके जो हेयर होते हैं वो छोटे और कर्ली होते हैं। यू कैन सी हेयर दिस टाइप ऑफ हेयर दे हैव, दे फॉलो देयर ट्रेडिशनल वेज ऑफ लाइफ, और वो अपने पारंपरिक जो ट्रेडिशन है उनको ही फॉलो करते हैं जीवन जीने के लिए। दे वियर लाइट कॉटन क्लोथ्स, वो कॉटन के क्लोथ्स पहनते हैं बिकॉज ऑफ अ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट होता है बहुत अधिक गर्म और नमी वाला होता है। पीपल आर वेरी फॉन्ड ऑफ डांस एंड म्यूजिक, और जो लोग हैं यहाँ के वो डांस और म्यूजिक के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। फार अवे फ्रॉम द विलेजेस एंड इन द थिकेस्ट पार्ट्स ऑफ दीज फॉरेस्ट, और यहाँ के लोग जो हैं गांव से दूर, इन द थिकेस्ट घने
जंगलों के छोटे से हिस्से में रहते हैं, लिव अ प्रिमिटिव ट्राइब नोन एज द पिजुविंस। और वो ट्राइब मतलब एक प्राचीन जाति मतलब उसको किस नाम से जाना जाता है, पिजमीस। दे आर डार्क इन कॉम्प्लेक्शन, उनका कॉम्प्लेक्शन कलर डार्क होता है, एंड वेरी शॉर्ट, अबाउट 1.5 meters इन हाइट, और हाइट में बहुत छोटे होते हैं। उनकी हाइट कितनी होती है, 1.5 meters। दे आर नोमैड्स, उनको किस नाम से जाना जाता है, दे आर नोमैड्स। दे डू नॉट लाइक परमानेंटली एट वन प्लेस, वो किसी भी एक प्लेस पर परमानेंटली नहीं रहते, वो अलग अलग स्थानों पर जाते रहते हैं, उन्हें कहते हैं नोमैड्स। दे कीप मूविंग, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट होते रहते हैं, वेन एवर दे फाइंड ए सुटेबल प्लेस, और जहाँ भी उनको एक सुटेबल प्लेस मिलता है। दे मेक ए क्लियरिंग इन द फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट के एक हिस्से को साफ करते हैं, सेटल डाउन फॉर ए शॉर्ट पीरियड, और उस प्लेस पर थोड़े समय के लिए रहते हैं। दे लिव मेनली बाय हंटिंग, और वो अपनी जीवन कैसे चलाते हैं, शिकार कर, गैदरिंग हनी शहद को इकट्ठा कर फ्रूट्स को और बेरीज को फ्रॉम द फॉरेस्ट में से इकट्ठा करके वो अपना जीवन जीते हैं। दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ बनानास, और उन्हें बनानास का खाने का बहुत शौक होता है। दे आर एक्सीलेंट हंटर्स, और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे शिकारी होते हैं। सो स्टूडेंट्स, टूडे इन दिस वीडियो लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट द वेजिटेशन, द वाइल्ड लाइफ एंड लाइफ ऑफ द people, and the rest of the chapter we will discuss tomorrow. And what is your homework? You have to read this chapter very carefully at your home. Thank you.